नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आफताब की। श्रद्धा केस में आफताब को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल जहां आज आफताब का नार्को टेस्ट होना था, वो टेस्ट पूरा हो चुका है। क्या सवाल उसमें पूछे गए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, आफताब ने यहाँ पर कई बात कबूल की है, बताया कि कैसे उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़ों को फेंका और कहाँ कहाँ फेंका। यहाँ पर जिस तरह से FSLMA के असिस्टेंट ने डायरेक्टर संजीव गुप्ता जो है, उन्होंने बताया कि नार्को टेस्ट में आफताब ने क्या कुछ कबूला है, और नार्को टेस्ट का यही मतलब था कि आफताब एक तो सबसे बड़ा कारण बताए कि आखिर किस बात पर उसकी श्रद्धा से लड़ाई हुई, क्योंकि वो अपने बयान बदल रहा था, काफी चीजें अलग बता रहा था, सही नहीं बता रहा था। तो यहाँ पर आफताब को लेकर कई खुलासे हुए। तो नार्को टेस्ट में जो कुछ उसने बताया है वो यहाँ पर सबके सामने आ चुका है, और एक असली कारण सामने आया। पहले तो कई सारे कारण सामने आए थे, लेकिन इस बीच आफताब ने बता दिया कि उसने ही श्रद्धा के कपड़ों को फेंका है, गायब किए, और साथ ही उसने ही जो है श्रद्धा के मोबाइल को गायब किया है। अगर वो पुलिस के हाथ में आ जाता है तो ना जाने कई सबूत सामने आ जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि FSL के असिस्टेंट डायरेक्टर ने आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका, इसके बारे में जानकारी दी, और ये 2 घंटों का टेस्ट था। और साथ ही इसी के दौरान जो है FSL के जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी OT अटेंडेंट और FSL के 2 फोटो एक्सपर्ट्स मौजूद वहां पर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने टेस्ट कर क्या क्या सवाल पूछे वो भी उन्होंने बताया, क्या सवाल रहे और उसके बाद किस तरह का जवाब यहां पर आफताब ने दिया है। अब नार्को टेस्ट के बाद किस तरह का एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा, इस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि अभी तक आफताब को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिली है। इंतजार रहेगा कि श्रद्धा किस केस में, जहां आफताब की जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसने भी आफताब पर कई खुलासे किए, जब वो फ्लैट पे गई, जब उस कमरे में गई, यानी कि श्रद्धा के निधन के, श्रद्धा की जान लेने के 12 दिन बाद आफताब ने अपने फ्लैट पर दूसरी गर्लफ्रेंड को बुलाया। जो रिंग उसने श्रद्धा को गिफ्ट की थी, वही रिंग उसने अपनी इस गर्लफ्रेंड को रिंग की। हालांकि वो रिंग जो है वो आर्टिफिशियल बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से आफताब की जो दूसरी गर्लफ्रेंड, उनका ये कहना है कि जिस तरह का केयरिंग नेचर आफताब का मेरे साथ था, मैं यकीन नहीं कर सकती कि आफताब कुछ ऐसा कर सकता है, ऐसे हादसे को अंजाम दे सकता है। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, और यहाँ पर जो है आफताब को सजा मिलनी चाहिए जो उसने किया। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।